घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइड स्प्रेड रहा। एक जगह वेरी हैवी और एक जगह हैवी रेनफॉल रिसीव हुई, जिसमें नयागढ़ में नुआगांव में 124.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो कि हाईएस्ट रही आज के दिन में। अगर हम बात करें सिग्नल वेदर सिस्टम की, जो मानसून ट्रफ है मेन सी उसके कंटिन्यू कर रही है, वो जो अमृतसर करनाल मेरठ लखनऊ सोबोर गोपालपुर उसके बाद ईस्टवर्ड होते हुए नागालैंड की तरफ जाती हुई दिख रही है। उसके अलावा जो हमारे ऊपर सिस्टम प्रभाव डाल रहा है, उसमें बांग्लादेश और नेबरहुड के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जो कि समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक एक्सटेंड की हुई है और जो टिल्ट की है साउथ वेस्ट हाइट के साथ साउथ वेस्टवर्ड की तरफ टिल्ट की हुई है। इसके प्रभाव की वजह से आज हमारे आने वाले सिस्टम दिनों में इस तरह वेदर रहेगा। आज के दिन यानी आज उड़ीसा में पूरे फेयरली वाइडस्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। इसी तरह का आज डे वन में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिसमें मयूरभंज केंद्र डेंकनाल जजपुर ये डिस्ट्रिक्ट शामिल है। उसके अलावा बाकी जो येलो रीजन देख रहे हैं वहाँ पर थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है। और इसी प्रकार 15 तारीख को भी थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के साथ अशोक प्लेस में हैवी रेनफॉल होने के लिए येलो वार्निंग दी गई, जिसमें सुंदरगढ़ देवगढ़ केवंझर मयूरभंज बालासोर भद्रक ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई। बाकी नॉर्थ उड़ीसा और साउथ में जो साउथ कोस्ट उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के लिए येलो वार्निंग दी गई है। 16 तारीख को जहाँ पर आइसोलेट से हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, उसके लिए येलो वार्निंग डिस्ट्रिक्ट में दी गई है। उसमें झारसुगुड़ा संबलपुर अनुगुल केवंझर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट शामिल है। बाकी जो आप देख रहे हैं येलो रीजन नॉर्थ उड़ीसा में और बलांगीर में ये सब यहाँ पे हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। इसी प्रकार 17 तारीख को भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिसमें संबलपुर बारगढ़ सोनपुर बोलांगीर नोपाड़ा डिस्ट्रिक्ट शामिल है। उसके अलावा जो बाकी मयूरभंज केवंझर देवगढ़ अनुगुल ढेंकनाल झारसुगुड़ा और कंधमाल नवरंगपुर कोरापुट में हैवी रेनफॉल होने के लिए येलो वार्निंग दी गई है। इसमें 18 तारीख को भी साउथ उड़ीसा कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, वहाँ पर येलो वार्निंग दी गई है।